पहले भर दुनिया में राजा महाराजा थे, राजशाही थी। राजा का बेटा राजा बनता था और राजा जैसा व्यक्ति होता था वैसा ही शासन चलाता था। इतिहास में जितने अच्छे राजा हुए उतने ही या उनसे ज्यादा क्रूर राजा हुए। 19वीं 20वीं सदी आते आते दुनिया में राजशाही खत्म होती गई। फ्रांस की क्रांति के बाद लोगों को शासन का एक बेहतर विकल्प मिला, लोकतंत्र। चूंकि लोकतंत्र की नींव में रिप्रेजेंटेशन, जवाबदेही और सिविल राइट्स की जगह है, इसीलिए अलग अलग देशों में आंदोलन के बाद लोकतंत्र ने राजशाही की जगह ले ली। इतनी सारी आवाज़ों को सुनने, समझने, राजी करने की वजह से भले ही सिस्टम थोड़ा स्लो है, मगर शासन के मौजूदा सिस्टम्स में सबसे स्थिर यही है। लेकिन एक देश में इस स्थिर सिस्टम को हटाने के लिए आंदोलन हो रहे हैं। लोकतंत्र के पक्ष में लाठीचार्ज करने की बात तक आ गई, और ये कहाँ हो रहा है? पड़ोस में, पड़ोसी मुल्क नेपाल में। मंगलवार 9 अप्रैल को राजधानी काठमांडू में राजशाही वापस लाने की मांग कर रहे सैकड़ों प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प हो गई। बैरिकेड्स तोड़कर दर्जनों प्रदर्शनकारी प्रतिबंधित क्षेत्र में घुस गए। फिर पुलिस ने एक्शन लिया, लाठियां, वाटर कैनन और आंसू गैस तक दागने पड़े। नेपाल की संसद में पांचवी सबसे बड़ी पार्टी है आरपीपी, यानी राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी। दक्षिणपंथी पार्टी है, राजशाही का समर्थन करती है। इन्होंने ही प्रदर्शन आयोजित किया था, नेतृत्व किया था। अपने कैडरों के साथ इन्होंने राजधानी में मार्च किया, नारे लगाए, गणतंत्र के अंत की और राजशाही को वापस लाने की गुहार लगाई। मामला बिगड़ा तो पुलिस ने एक्शन लिया, जैसे हमने आपको पहले बताया। तो पुलिस कार्रवाई के लिए उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री रवि लामिछाने के इस्तीफे तक की मांग की। देश में राजशाही का खात्मा राजकुमार के कत्ल से शुरू हुआ था, अब राजशाही को वापस बहाल करने की मांग हो रही है। फेस वैल्यू पर ऐसा लग सकता है कि यह केवल एक समूह की मांग है, आरपीपी की मांग है, फ्रिंज है, लेकिन ऐसा नहीं है। माजरा इतना सिंपल नहीं है। मुल्क में राजशाही का इतिहास बहुत पुराना है। अगर नेपाल में राजशाही के शुरुआती निशान खोजें तो किरात राजवंश से भेंट होगी। बहुत प्राचीन रिकॉर्ड संकेत देते हैं कि इन्होंने 7वीं शताब्दी BC के आसपास शासन किया था, लेकिन उतना पीछे हमें जाने की जरूरत है नहीं। नेपाल के यूनिफिकेशन और शाह राजवंश का उदय, ये एक माइलस्टोन हो सकता है जहां हम अपनी कहानी शुरू करेंगे। 18वीं शताब्दी की बात है। उस वक्त तक नेपाल 7 छोटे छोटे प्रांतों का गुच्छा था। गोरखा साम्राज्य के राजा पृथ्वी नारायण शाह ने एक अभियान शुरू किया, पूरे क्षेत्र के अलग अलग छोटे राज्यों और रियासतों को एकजुट करने के लिए अपने घोड़े पर बैठकर निकल गए। और रास्ते में उन्हें जो भी जीत मिली, जो भी फतेह की उन्होंने, उसी से बना आज का नेपाल। साल 1768 में राजा पृथ्वी नारायण शाह ने शाह राजवंश की स्थापना की। शाहों ने आने वाले 2 सदियों तक देश पर हुकूमत की। 17वीं शताब्दी से फिर हमारी गाड़ी आगे आएगी 19वीं शताब्दी पे। यहां पर राणा साम्राज्य का आपको नाम सुनाई देगा, लेकिन तब तक जो है वो सिस्टम थोड़ा बदल चुका है। राजा होते थे मगर असल ताकत प्रधानमंत्रियों के पास होती थी, और प्रधानमंत्री कौन होते थे? यही राणा वंश के लोग। इसे कहते हैं कुलीन तंत्र। 20वीं सदी के मिड तक ऐसा ही चला। फिर 1951 में एक आंदोलन हुआ, राणा शासन का खात्मा हो गया और राजा त्रिभुवन शाह को मिल गई सत्ता। इसके बाद मार्च 1955 में राजा महेंद्र ने सत्ता संभाली। साल 1959 से उन्होंने एक संवैधानिक राजतंत्र, यानी जिसको अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कहते हैं, उसकी स्थापना की। हालांकि राजा ने जितनी भी जरूरी ताकतें थी वो अपने पास ही रखी। साल 1970 तक महेंद्र गद्दी पर रहे और उनके शासन में राजनीतिक अस्थिरता और छिटपुट आंदोलनों का दौर रहा। देश में राजशाही की वजह से जनता बहुत खुश नहीं थी। गरीबी और गैर बराबरी में से जनता त्रस्त थी, खासकर गांवों में। लोगों के मन में राजतंत्र की धारणा भी बहुत अच्छी नहीं थी। सरकार को भ्रष्ट और अनुत्तरदायी के तौर पर ही देखा जाता था। माओवादी विचारधारा और अन्य कम्युनिस्ट क्रांतियों से प्रेरणा लेकर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी ने सत्ता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मकसद सिर्फ एक, कि राजतंत्र को हटाया जाए और नेपाल को एक कम्युनिस्ट देश बनाया जाए। 13 फरवरी 1996 को CPNM ने एक औचक हमला कर दिया। यहां से शुरू हुआ संघर्ष। उन्होंने गवई इलाकों में पुलिस स्टेशन और सरकारी इमारतों को निशाना बनाया, गुरिल्ला रणनीति अपनाई, गुरिल्ला टैक्टिक्स। इस संघर्ष की कीमत आम जनता ने चुकाई, जैसा हर बार होता है। जैसे जैसे संघर्ष बढ़ता गया, नेपाली सरकार ने अपना रुख कड़ा किया, सुरक्षा बलों को तैनात किया और आपातकालीन उपाय लागू करने शुरू किए। हालांकि चूंकि अब इतना बड़ा संघर्ष है तो मानवाधिकारों का उल्लंघन दोनों तरफ से हो रहा था, और मानवाधिकारों का उल्लंघन की वजह से, गैर न्यायिक हत्याओं की वजह से आबादी नाराज होने लगी। इससे विद्रोह को और ईंधन मिल गया। साल 2000 तक विद्रोह अपने चरम पर पहुंचा, मगर फिर घटा शाही हत्याकांड। तारीख 1 जून 2001, उस रोज नेपाल के शाही महल में राजकुमार दीपेंद्र ने एक पार्टी का आयोजन किया हुआ था। अपनी ही पार्टी में दीपेंद्र शाम 7:30 बजे के आसपास पहुंचे, कुछ देर शराब पी,
फिर कहीं चले गए। वापस आए तो हाथ में एक 9mm की पिस्टल, एक MP5 के सब मशीन गन और कोल्ट M16 राइफल थी। भरी सभा में दीपेंद्र ने तड़-तड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। अपने पिता नेपाल नरेश बीरेंद्र को निशाना बनाया, अपनी माँ रानी ऐश्वर्या के सिर पर गोली मारी और कुल 8 अन्य रिश्तेदारों को भी मार दिया, गोया उन पर कोई भूत सवार हो। अपने भाई निराजन और बहन श्रुति को भी नहीं छोड़ा। अपने पूरे परिवार को मार देने के बाद राजकुमार दीपेंद्र ने अपनी भी जान ले ली। कुल 2.5 मिनट में पूरा शाही खानदान खत्म। घटना के 3 दिन तक दीपेंद्र की सांस तो चलती रही, लेकिन फिर उनकी मृत्यु हो गई और तब राजा बीरेंद्र के छोटे भाई ज्ञानेंद्र को नेपाल नरेश बनाया गया। ऐसा दीपेंद्र ने क्यों किया ये कभी साफ नहीं हो पाया, मगर ऐसी अफवाहें हैं कि दुल्हन की पसंद को लेकर परिवार में कुछ विवाद था। जांच कमेटी बनाई गई, बयान लिए गए, मगर कुछ भी सिद्ध ना हो सका। इस त्रासदी से देश शोक और अस्थिरता में डूब गया। कुछ सच होना हो इतना जरूर है कि इस घटना ने नेपाल में राजशाही के लिए उल्टी गिनती शुरू कर दी थी। नेपाल के शाही हत्याकांड पर हमने तारीख का एक एपिसोड किया था, लिंक आपको मालूम है कहाँ मिलेगा। वापस हम लोग लौटते हैं मसले पर। तो एक तरफ था ये हत्याकांड, दूसरी तरफ था जन आंदोलन जो चल रहा था बैकड्रॉप में। साल 2006 में पीपुल्स मूवमेंट नाम का एक विद्रोह हुआ। राजा ज्ञानेंद्र शाह को सत्ता छोड़नी पड़ी, संसद बहाल करनी पड़ी। गुजरे 10 सालों में नागरिकों, माओवादियों, विद्रोहियों और सरकारी बलों के से करीबन 17,000 लोगों की जाने गई। ये सारे लोग मिलाकर हिंसा के चलते हजारों लोग विस्थापित होने को मजबूर हुए। 14 महीने बाद 2008 में देश एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। राजशाही आधिकारिक तौर पर खत्म हो गई और संविधान सभा ने हिंदू राजशाही की सदियों पुरानी परंपरा को समाप्त करते हुए नेपाल को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया। ये जो घटनाक्रम हमने इतनी जल्दी में बता दिया, इसी में छुपा है राजशाही के समर्थकों का सुराग। इसके लिए दी ललन टॉप ने नेपाल के वरिष्ठ पत्रकार और लेखक युवराज घिमिरे से बात की। उन्हें आपने हमारे शो गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में देखा होगा, वो आए थे हमारे साथ। उन्होंने हमें क्या बताया, आप खुद सुनिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने स्पेशल इमिसरी बना के डॉक्टर करण सिंह को भेजा था नेपाल में आंदोलन के पृष्ठभूमि में। जहां तक ये ऑफिशियल नहीं हुआ है, लेकिन जहां तक डॉक्टर करण सिंह के एक दो इंटरव्यू से ये क्लियर हुआ है कि भारत का मैसेज था कि राजा को पॉलिटिकल पावर, पार्टीज को पावर हैंड ओवर करना चाहिए और इंडिया का जो मोनार्की और मल्टी पार्टी सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन वो सिस्टम में इंडिया का एक सपोर्ट रहेगा। तो जाते ही क्या हुआ कि जब वो करण सिंह लौटे, उनके साथ उस समय के फॉरेन सेक्रेटरी सैमसन भी आए थे, तो वहां पर ये हुआ कि नेपाली जनता जो चाहते हैं उसी को इंडोर्स करते हैं, क्योंकि माओवादी ने बोला कि हम किसी भी फॉर्म में मोनार्की नहीं चाहते। एक एस्पेक्ट यह खत्म हो जाता है। और जब किंग ने पार्टीज को पावर हैंड ओवर किया और जीपी को रनर मूवमेंट की लीडर थी उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया है, और उसके साथ साथ एक पार्लियामेंट जो यहाँ प्रतिनिधि सभा बोलते हैं, प्रतिनिधि सभा को भी रिस्टोर किया, जो प्रतिनिधि सभा डिजॉल्व हो गया था विधिवत, सुप्रीम कोर्ट ने उसका डिजोल्यूशन को अपहोल्ड किया था। और उसके साथ साथ ये भी हुआ था कि उसका टेन्योर भी खत्म हुआ था। लेकिन एक पॉलिटिकल वैक्यूम में ऑथोरिटेरियन पावर्स राइज कर सकते हैं इस मान्यता के साथ एक एडक और लिमिटेड प्रयोजन, सीमित प्रयोजन के लिए उसको रिवाइव किया था। उस पार्लियामेंट ने अनायस वो अंडरस्टैंडिंग के अगेंस्ट में जाकर ये इंस्ट्रक्शन इश्यू कर दिया ए टू बी इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कि वो तो बाकी था कि पहला बैठक जब होगा आपका तो आप मोनार्की को अबोलिश करेंगे। तो इसमें काफी डिबेट है कि कोई प्रॉपर डिबेट नहीं हुआ, पॉलिटिकल पार्टीज डिवाइडेड थे, माओवादी उसके पक्ष में थे लेकिन और पार्टी मोनार्की के अगेंस्ट में थे, पीपुल का कोई मैंडेट लिया नहीं गया था, इसलिए हमेशा एक डिबेटेबल इशू रहा। मतलब ऐसा नहीं है कि केवल RPP के लोग चाहते हैं कि राजशाही वापस आए, ऐसी मंशा वाले और भी लोग हैं। साथ ही इसमें दो और गौरतलब बातें हैं। पहली की विचारधारा, राजतंत्र के समर्थक असल में राष्ट्रवाद को साथ लेकर चलते हैं और लोकतंत्र को एक विदेशी धारणा मानते हैं। दूसरा, युवराज घिमिरे बताते हैं कि संघीय ढांचे का भी बहुत विरोध किया जाता है, सरकार पर भ्रष्टाचार के खुले आरोप लगते हैं। RPP समेत अन्य लोग ये दावा करते हैं कि सरकार का 3 स्तरों पर काम करना असल में राष्ट्र के लिए बोझ है। जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी एक प्रमुख मांग है कि जब से लोकतंत्र आया आर्थिक समृद्धि नहीं आई, अब राजा के वापस आ जाने के बाद समृद्धि कैसे लौटेगी, इस बारे में कोई साफ गोई नहीं है। मगर लोग सड़कों पर हैं। एक लोकतंत्र में ही लोकतंत्र को खत्म करने की मांग की जा सकती है, सो कर रहे हैं।
आप देख रहे थे दी लल्लन टॉप, मेरा नाम है सोम शेखर और कैमरे पर इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है हमारे साथी जतिन ने। शुक्रिया। कंधों पर मेहनत का बस्ता, आंखों पर कौतूहल का लेंस, आपकी कहानियों के पहले गवाह और पर्दे के पीछे के नायक, गांव देश के मिजाज सुनने को तैयार हैं। क्या आप तैयार हैं? लल्लन टॉप चुनाव यात्रा 2024। पावर्ड बाय मंगलदीप, प्रार्थना की महक, प्रार्थना के बाद भी। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, ITC सनराइज मसाले, स्वाद बिहार का।